इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में, जहां पे शेयर प्राइस अभी के टाइम में क्या ट्रेड कर रहा है। 5% की गिरावट आज के दिन शेयर में हमें देखने को मिला। आप देखेंगे यहां पे 5% का गिरावट में क्लोजिंग दिया शेयर। अब बात करेंगे कि अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या लेवल से यहाँ पे हो सकता है अगर गिरावट और भी निकल के आता है तो। अब गिरावट के पीछे वजह क्या है तो आपको पता ही है, और पता नहीं है तो इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे कि वजह क्या है, और आगे देखेंगे कि लेवल्स यहाँ पे क्या बन रहा है जिस पे आप अगले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान दे सकते हो, अगर आपको तेजी दिखने में मिलता है तो, या फिर अगर आपको गिरावट दिखने में मिलता है तो कौन कौन से लेवल यहाँ पे हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए और देख लेते हैं सारी चीज़ें एक एक करके कि लेवल्स यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर में गिरावट क्यों दिखने में मिला और कहाँ तक गिरावट यहाँ पे होने की संभावना निकल के आ रही है। आज के दिन 5% की गिरावट, और पिछले 5 दिन में अगर हम बात करें तो 5.51% की गिरावट नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने में 11% से भी ऊपर गिरावट हो चुका है शेयर में, पिछले 6 महीने का आप देख सकते हो ऑल टाइम पे। अब बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आज के दिन जो गिरावट रहा वो किस बेस पे गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिला, तो वो है 5% का OFS। यहाँ पे गवर्नमेंट अनाउंस किया, जिसे आपको पता है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में निकल के आया था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया 5% का OFS। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि कोचिन शिपयार्ड फेल्स आप देख सकते हैं कुछ इतना परसेंट, और OFS ओपन फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स। आज के लिए जो OFS था वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था 16 अक्टूबर का। कल के दिन का जो OFS हुआ 17 को, तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS हमें देखने को मिलेगा। और इस OFS के थ्रू 5% अप टू 5% का जो भी स्टेक था यहाँ पे सेलेक्ट करने का बात में यहाँ पे चल रहा था, और उसके चलते कह सकते हो शेयर में हमें यहाँ पे गिरावट का परफॉर्मेंस आज के दिन देखने को मिला। अब इसके ऊपर बेस करके अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि एक एक करके सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको देखने में मिल रहा है कि गवर्नमेंट टू सेल अप टू 5% स्टेक इन कोचिन शिपयार्ड विया OFS, फ्लोर प्राइस सेट किया 1540 रुपये पर शेयर। तो काफ़ी लोग का कहना था कि क्या 1540 रुपये शेयर आएगा, तो आज के टाइम पे देख लीजिए कि शेयर कहाँ पे आ गया, एक दिन के ही ऑफिस में। अब अगला दिन तो बाकी है, तो देखते हैं कहाँ तक गिरावट शेयर में होता है। आज एक ही दिन में 5% का गिरावट 83 पॉइंट का, 1540 का OFS का प्राइस सेट किया गया था, बट आप देखेंगे यहाँ पे 1588 पे तो आज ही आ गया। आपको क्या लगता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में कहाँ तक गिरावट यहाँ पे हो सकता है? तो सबसे पहला तो सपोर्ट हमारा 1540 का ही दिख रहा है, और अगर हम बात करें आगे देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बन रहा है अगले ट्रेडिंग सेशन में, जिस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके पहले आज का रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आज का परफॉर्मेंस क्या रहा। आज का जो वॉल्यूम हमें देखने में मिला है यस्टरडे और 1 वीक के एवरेज के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम रहा है। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे 75% लोग कह रहे हैं बाय और 25% लोग कह रहे हैं होल्ड, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करेंगे 75% लोग कह रहे हैं बाय और 25% लोग कह रहे हैं होल्ड। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करेंगे और भी यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन शेयर में गिरावट देखने में मिला। सेल साइड में 22,814 क्वांटिटी सेल साइड में मोटर पर लग चुका है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है गिरावट या फिर तेजी निकल के आता है, जो भी अगले ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा। अभी तो आज के दिन जो भी यहाँ पे जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम तक 22,874 क्वांटिटी सेल साइड में मोटर यहाँ पर लग चुका है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब आगे चल के चेंज भी हो सकता है। और बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लेवल्स यहाँ पे क्या बनते हुए नजर आ रहा है शेयर में। अगर आपको गिरावट यहाँ पे देखने में मिलता है तो कौन से लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा? तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा अगर आपको गिरावट देखने में मिलता है तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको गिरावट नजर आता है तो 1560 का एक लेवल है, 1560 के आसपास लेवल है, इसके आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल 1540 का लेवल रहेगा, और 1540 को ब्रेक करता है तो 1505 के आसपास ध्यान दीजिएगा। 1540 को मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर आप उसको ऐसे माइंड में रख लीजिए, क्योंकि 1540 का एक लेवल है जो कि 1540 का प्राइस यहाँ पे इशू किया गया था और OFS को लेकर, तो 1540 पे आप कहीं ना कहीं ध्यान दे सकते हो। और 1530-40 के आसपास सपोर्ट भी है पहले, अगर देखा जाता है यहाँ पे पहले के लेवल पे पहले के प्राइस परफॉर्मेंस में देखा जाता है यहाँ पे। बाकी अपसाइड के लिए अगर हम बात करें, अगर आपको तेज़ी देखने में मिलता है तो कौन से लेवल पर आप ध्यान दे सकते हो? तो अगर आपको तेजी दिखने में मिलता है सबसे पहला जो लेवल आप ध्यान दीजिएगा वो लेवल हमारा कुछ 1642 का लेवल रहेगा, 1640 का। और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो 1683 के लेवल पर आप ध्यान दे सकते हैं। अप साइड में कुछ दो लेवल और डाउन साइड में कुछ दो लेवल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, 3 लेवल डाउन साइड में है बिकॉज एक लेवल मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप उसको ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है।